न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं आपके साथ सोनू। खबर रीवा जिले के नई गढ़ी से है। एक ओर जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा लाखों रुपए सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किस तरह से कर्मचारियों से लेकर प्रत्याशी एवं समर्थकों के लिए व्यवस्था की गई है, जिसकी झलक आपको रीवा जिले के जनपद पंचायत नई गढ़ी में देखने को मिल जाएगी। जनपद पंचायत नई गढ़ी के ठाकुर गोपाल शरण सिंह सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का देर रात्रि तक आवंटित किया गया। जनपद पंचायत नई गढ़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जुटे कर्मचारियों को ना तो चाय नाश्ता मिला और ना ही लंच पैकेट दिया गया, ठंडा पानी तो दूर रहा। इसी प्रकार जनपद पंचायत नई गढ़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से आने वाले महिला प्रत्याशियों एवं समर्थकों को ना तो बैठने की व्यवस्था रही और ना ही कोई पानी की व्यवस्था रही, जिसके कारण त्रिस्तरीय पंचायत कार्य में जुटे कर्मचारियों एवं ग्रामीण अंचल से आए महिला प्रत्याशियों एवं समर्थकों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी चुनाव के नाम पर अपनी झोली भरने में लगे रहे। कर्मचारी से लेकर ग्रामीण अंचल से आए हुए लोग बूंद बूंद पानी को तरसते रहे। विराट 24 के लिए नईगढ़ी से सुभाष पटेल की रिपोर्ट। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सरपंच का चुनाव लड़ी हैं? हाँ। किस ग्राम पंचायत से? धीर ग्राम पंचायत से। क्या नाम है आपका? राजकली। कितने बजे आप लोग आए हैं यहाँ जनपद में आज? 11 बजे से यहाँ बैठे हैं। पानी होने की कुछ व्यवस्था की गई है? अच्छा, बैठने के लिए कुर्सी उर्सी आपको नहीं मिली? नाम क्या है आपका? राजकली। और व्यवस्था के बारे में जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है। यहाँ बैठने के लिए प्रत्याशियों को, महिलाओं को, नागरिकों को, जो मतदाता भाई आए हैं प्रस्तावक, उन लोगों को बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी ये बहनें आई हुई हैं, वो भी प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम पंचायत से, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरा शासन प्रशासन तक ये आप मेरी बात पहुंचाइए कि जो भी यहाँ के मतदाता भाई नागरिक और जो भी अभ्यर्थी और आपके प्रस्तावक जो भी आए हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जाए। धन्यवाद।